सभी लोग मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो फाइनली आज वीडियो आई गया है। जो लोग मुझे जानते थे वो व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे क्या बात हुई आजकल वीडियो नहीं आ रहे हैं, एंड इंस्टा और यूट्यूब पे भी कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे थे। बहुत सारे लोगों को लग रहा था मैंने यूट्यूब क्यूट कर दिया है। काफ़ी सारे लोग थोड़ी सा कंसर्न भी दिखा रहे थे कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, आपकी वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। सो वीडियोज़ नहीं आने का रीज़न जो है वो ये है कि मेरे चैनल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे। फुल डिटेल में तो मैं आप लोगों को नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट ऐसा है कि कुछ यूट्यूब का टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी, एंड मेरे जो ऑप्शंस थे वो सारे एक बार के लिए बंद हो गए थे। इसलिए 2 महीने का टाइम लग गया, एंड मेरे जो यूट्यूब का चैनल का जो नाम है वो भी चेंज हो गया। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि डुक्सा क्रिएशन से नीतू शेखावत नाम मैंने अपडेट कर दिया है। रीज़न इसका भी था, सेकेंड रीज़न था ये यूट्यूब नहीं आने का, क्योंकि जो मेरा चैनल था ना वो सर्च में नहीं आता था, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था यूट्यूब, जो भी कोई रीज़न होगा मुझे नहीं पता। सो ये भी मेरे पास था कि तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं करेगा अगर तुम नाम चेंज नहीं करते हो, एंड डुक्सा जो नाम वर्ड है ना वो यूट्यूब आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा था। अगर आप माइक पे बोलोगे, गूगल माइक का जो ऑप्शन आता है उसमें, तो वो कभी शो ही नहीं करता है। पिछले 2 साल से मैं देख रही हूँ कि शो नहीं कर रहा है। इवन आप टाइपिंग करके भी डालोगे तो जब तक डुक्सा क्रिएशन पूरा नाम नहीं डालोगे तब तक नीचे लिस्ट ही नहीं आएगी मेरे चैनल की। सो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, ये तो नाम को लेकर की थी कि मुझे चेंज करना ही है, और ये बात मुझे लास्ट 2 दिन से पता चली है कि नहीं, मुझे नाम तो चेंज करना ही पड़ेगा। सो फिलहाल 2 दिन में मेरे पास कोई नाम का मैंने कुछ अच्छा सोच के नहीं रखा था कि मैं ये करूँगी। मैंने सोचा था पहले कि करूँगी बट नहीं हो पाया। अभी मैंने सोचा अपना नाम पे ही रख लेती हूँ, आगे देखते हैं। कुछ न्यू अपडेट होता है, कुछ नया मेरे पास क्रिएटिव आइडिया होता है तो मैं उस पर रखूँगी, बट फिलहाल के लिए नीतू शेखावत ही नाम है। एंड मुझे पता है कि ये नाम चेंज करने से मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1 साल से या फिर 2 साल से जो भी ऑडियंस आई ना वो डुक्सा क्रिएशन के नाम से आई है, एंड जो कुछ भी लोग जानते हैं वो इसी नाम से जानते हैं। नीतू शेखावत के नाम से मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरे चैनल को आइडेंटिफाई कर पाएगा क्या। मैंने बहुत मेहनत की लास्ट 2 सालों में सो दैट कि ये चैनल ग्रो कर जाए, कुछ आगे बढ़ जाए। सब्सक्राइबर के बेस वाइज थोड़ा आगे बढ़ा है चैनल, बट अब नाम चेंज करने की वजह से मे भी बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल को, जो कि मेरा बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा कि नाम में इतना बड़ा अपडेट हो गया है क्या। सो होप सो कि आगे सब कुछ अच्छा रहे, एंड आगे मैं कंटिन्यू वीडियो डालती रहूं एंड चैनल और ज़्यादा ग्रो कर जाए। एंड प्लीज़ आप लोग भी हेल्प कीजिएगा मेरे इस वीडियो को एंड आगे आने वाले वीडियोस को लाइक करके एंड कमेंट करके। अगर आपको कुछ भी कमेंट समझ में ना आए तो चाहो तो आप इमोजी छोड़ सकते हो, जो कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई देंगे, कोई भी इमोजी जो आपको पसंद आए। सो दैट क्या होगा कि ये जो वीडियो है वो यूट्यूब के एल्गो में आएगा और उससे थोड़ा स्पेयर्ड होगा, लोगों तक पहुंचेगा, एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर तक पहुंचेगा। और ये यूट्यूब का ही एल्गो है कि वो मेरे नाम को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था डुक्सा क्रिएशन को। सो फाइनली मुझे उस नाम से मोह छोड़ना पड़ा और आगे बढ़ना था। साथ ही मैं बता दूं कि लास्ट 2 महीने में मैंने कंटिन्यू वीडियोज़ बनाए हैं, ब्लॉग बनाए हैं, कि मुझे लगा कि शायद नेक्स्ट वीक ठीक हो जाएगा। संडे या सैटरडे को मेल आते थे तो मुझे लगता था कि ठीक है नेक्स्ट संडे को शायद मैं भी ठीक हो जाए, तो मैं कंटिन्यू वीडियोज़ बना रही थी, ब्लॉग भी बनाए हैं, कुछ कुछ झलक मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। होली मंगलाती है, वो दिन था कल का, मंगलाई जाती है, और आज है रामा श्यामा वाला दिन। आज का मैं छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली होली वाली। बट हुआ क्या कि 2 महीने में मेरे पास ऑप्शन ही नहीं आएगा अपलोड करने का, सो मैं नहीं कर पाई। आगे के जो वीडियोज़ आएंगे वो एक दो मेरे ब्लॉग हैं, मैं सोच रही हूँ ब्लॉग ही डाल दूँ पहले, सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी मेरे पास भी मोबाइल या कैमरा नहीं है तो वो फुल हो जाता है, तो काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग तो मैंने डिलीट ही कर दी थी कि चलो ठीक है दोबारा शूट कर लेंगे, देखते हैं दोबारा शूट कर लेंगे। तो जो ब्लॉग आएंगे वो मेरे होली के पास या फिर गणगौर के पास तब से हैं। सोचो आप, मैं होली से कंटिन्यू वीडियो शूट कर रही हूँ बट ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो ये तो थी मेजर अपडेट पहली की, यूट्यूब पे कुछ टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई। आप में से बहुत सारे लोगों ने कंसर्न दिखाया, काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया, इंस्टा पे किया, व्हाट्सअप पे किया, उन सबको थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत मायने रखती है ये चीज़ें। और सेकंड, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, नीतू शेखावत रख दिया है। सबसे बड़ा जो था वो था कि मेरा जो चैनल है वो सर्च बार में ही नहीं आ रहा था, इवन अभी भी नहीं आएगा। हालांकि ये नाम अडोप्ट होने में और एल्गो में आने में 30 डेज लग जाएंगे। नीतू शेखावत नाम मेरे चैनल से
अगर आप सर्च करोगे तो वो भी मेरा चैनल नहीं आएगा, 30 डेज लग जाते हैं। मेरा नाम अभी भी डुक्सा क्रिएशन के नाम से ही मेरा चैनल आएगा 30 डेज तक, बट स्टिल आप देखोगे कि जब तक आप पूरा डुक्सा क्रिएशन टाइप नहीं करोगे तब तक मेरा लिस्ट ही नहीं आएगी मेरे चैनल की, ना ही वो गूगल माइक में अगर आप बोलना चाहोगे तो भी वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा। फाइनली मैंने आज नीतू शेखावत नाम रख दिया एंड ताकि मैं आगे वीडियोस बना सकूं। जो तीसरी मेजर अपडेट है वो है कि अभी जो कुछ ब्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो घर के ब्लॉग्स रहेंगे, जो कि 1-2 महीने पहले के ही रहे, क्योंकि मैं उस टाइम कंटिन्यू एक्टिव थी, मैं ब्लॉग भी बना रही थी, मैं वीडियोज़ भी बना रही थी, मुझे लगा था कि ठीक हो जाएगी जो भी टेक्निकल एरर है, बट नहीं हुई। तो काफ़ी सारी क्लिपिंग मैंने डिलीट भी की है, बट जो कुछ भी मेरे पास डाटा बचा हुआ है मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बाकी सब कुछ मैं फ्रेश ही वीडियोज़ में बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। तो जो ब्लॉग्स रहेंगे या फिर वीडियोस रहेंगे वो पुराने रहेंगे। पीछे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो यही था अपडेट को लेकर के छोटा सा वीडियो। आगे आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेंगे 2 या 3 दिन का गैप रख करके, ताकि व्यूज़ मिले मेरे वीडियोस को थोड़ा बहुत मेरा वीडियो थोड़ा बहुत मेरा चैनल भी ग्रो करे। आप लोगों को पता होगा कि पूरा डाउन आ गया चैनल, जो भी कोरोना की वजह से हालात चल रहे हैं वो आप लोगों को पता ही है। तो प्लीज़ आप सेफ रहिए, घर पर रहिए, बाहर के लोगों से बाहर की चीज़ों से बिल्कुल भी इंटरेक्ट ना करें। आपको पता है कि कहीं पर भी हॉस्पिटल खाली नहीं है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। सो बहुत बुरी हालत हो रही है चारों तरफ और बहुत ही ज़्यादा स्केरी है, डरावना है ये। मुझे भी डर लगता है, हमें भी डर लगता है फैमिलीज़ को लेकर के, सब चीज़ों को लेकर के। इधर उधर आसपास काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल जाती है जो हम लोगों को डरा देती है, बट बी स्ट्रॉन्ग, ना डरे। एक ही बात का ध्यान रखो कि कोरोना का बचाव ही इलाज है। जितना ज़्यादा आप बच के रहोगे, काढ़ा पियोगे, गर्म पानी पियोगे, बाहर नहीं निकलोगे, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे, उतना ज़्यादा आप सेफ रहोगे। और ऐसे समझ इस बुरे वक्त में सबके लिए प्रे करें कि हर कोई अपने घर पे सुरक्षित रहे। बस इतना ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नए वीडियो में, फ्रेश वीडियो के साथ में, एंड ऐसे टाइम में जब लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग घर पे बैठे हुए हैं, मैं भी घर पे बैठी हूँ। तो आई होप कि मेरे वीडियोस कुछ अच्छे आएँ और आप लोगों का थोड़ा इंटरटेनमेंट हो, आप लोगों को अच्छे लगे या इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ भी मेरे वीडियो के थ्रू आउट अच्छा हो। सो मिलती हूँ नए वीडियो में। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मेरे चैनल के नाम से सर्च में आए। सो ये मेरी बहुत बड़ी हेल्प होगी अगर आप कर सकते, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए खमा गनीसा, अपना ध्यान रखिएगा।